तो दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे आलू और पापड़ का सब्जी। तो चलिए क्या क्या लिए हैं दिखाते हैं। आलू को उबाल के छोटा टुकड़ों में काट लिए हैं और पापड़ लिए हैं। देखिए 3 गो पापड़ लिए हैं। आप लोग अपना हिसाब से भी ले सकते हैं जितना ज़रूरत हो। उड़द दाल का भी ले सकते हैं, मूंग दाल का भी ले सकते हैं, चना दाल का भी ले सकते हैं। ये तो मूंग दाल का है। तो देखिए प्याज को छोटा छोटा काट लिए हैं, टमाटर को छोटा छोटा काट लिए हैं और अदरक लहसुन को कूट लिए हैं और हरा मिर्चा को काट लिए। और देखिए मसाला में जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्चा 1/2 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। तो देखिए इसको थोड़ा सा पानी डाल के ऐसा घोल के छोड़ देना है फूलने के लिए। उसके बाद सब्ज़ी बनाएंगे उस समय डाल देंगे। देखिए ऐसा मसाला को फुला के रखने से सब्ज़ी में स्वाद बढ़ जाता है। और 1 चम्मच कसूरी मेथी, आप लोग धनिया पत्ता भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए पापड़ को ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, उसके बाद छान लेना है। तो चलिए छान लेते हैं। तो देखिए इसी तरह सब पापड़ को छान लेना है। 2 गो मिर्चा डाल देना है और 5 फोड़। जब मिर्चा अच्छा से फ्राई हो जाए तब प्याज को डाल देना है और लहसुन और अदरक को जो कूट कर रखे थे उसको डाल देना और मिर्चा को भी डाल देना। तो देखिए इसी तरह से हल्का सुनहरा भून लेना है। अब टमाटर को डाल देना है। तो देखिए 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल देना। अब इसको अच्छा से भून लेना, मीडियम आंच से ही भूनना है। तो देखिए टमाटर अब पक गया है अच्छा से। अब मसाला जो घोल बना कर रखे थे उसको डाल दे रहे हैं। अब इसको अच्छा से भून लेना। तो देखिए इसी तरह से भून लेना है अच्छा से। और आलू पापड़ की सब्ज़ी में ज़्यादा हल्दी नहीं देना है, नहीं तो पापड़ लाल हो जाता है। जब तक मसाला में तेल अलग नहीं हो जाता तब तक इसको भूनते रहना है। देखिए अब तेल अलग होना चालू हो गया तो कसूर मेथी को डाल देना है और आलू को डाल देना है। तब इसको अच्छा से मिला के भून लेना है। और आलू पापड़ का सब्ज़ी एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो देखिए अच्छा से भुना गया। अब इसमें पानी डालना है। तो जितना आप लोग को ग्रेवी रखना है उसी के हिसाब से पानी डालना है। हम लोग तो थोड़ा ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो इसको इसी तरह से मीडियम आंच में पका लेना है जब तक उबाल नहीं आ जाता। तो देखिए अब सब्ज़ी में उबाल आ रहा है तो जो पापड़ छान के रखे हैं उसको डाल दे रहे हैं। अब इसको अच्छा से मिला लेना है और 2-3 मिनट के लिए अभी ढक के रख देना है। तो आइए चेक कर लेते हैं सब्जी बन गया कि नहीं। तो देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गया। तो देखिए सब्जी बनकर तैयार है। तो आप लोग इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में।